फायर फ्री फायर फ्री फायर हर हिंदी उर्दू फ्री फायर खेल रहा है। तो ये बॉयज मुझे मैं तुम सभी लोग मैं ओम और आप सभी लोग देख रहे हो हॉटस्पॉट गेमिंग ओपी। और गाइस आज के दिन हम लोग खेलने वाले हैं फ्री फायर जो कि मुझे बहुत पसंद है। मैंने तुम लोगों को भी बताया नहीं कि लेकिन मैं फ्री फायर खेलता हूँ और फ्री फायर में मेरे पास है डीजे आलोक स्पेक्टर बेचा रियल लाइफ पास का सब क्लासिक जेस पेंट जो कि बहुत फेमस है। ये एक तो गाइस मेरे को एक प्रॉब्लम आ रही है फ्री फायर में, ये लेवल अप नहीं हो रहा। एक्चुअली ये लेवल सिक्स का एक्चुअली ये लेवल फाइव का है मेरे पास और लेवल सिक्स नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। सो गाइस इसका कमेंट करके कुछ दया करना मेरे ऊपर, मेरे को कुछ बताना इसके ऊपर क्या होता है इसका। सो मैंने इसमें लॉगिन की सारी चीज़ें जो होती मैंने क्लेम कर ली हैं और यहाँ पे मेरे पास इलाइट पास नहीं है इसीलिए मैं इसको क्लेम नहीं कर सकता। और कई समय जो है मेरे पास मैं तुमको बता देता हूँ क्या क्या है इसके अंदर। तो ये देख सकते हो आलोक का अवतार और ये मैं गोल्ड वन पे हूँ और मेरे पास स्पेक्टर बैचर जो है सीजन जो है उसका मेरे पास इलाइट पास था 282 बैचेस है मेरे पास उसके। और ये 174 है ये वाले अजीब से कुछ खोपड़ियाँ और ये सब कुछ है। ये टोपी मेरे पास 101 टोपियाँ हैं। और सो अभी हम जो है अपनी पहली क्लासिक गेम खेलेंगे क्योंकि अगर मैं रैंक गेम में गया ना तो मेरा तो ब्रॉन्ज तक तो मैं पहुँच ही जाऊँगा, माइनस होगा मेरा इतना। सो इसे अच्छा है कि मैं ना खेलूँ जो है वो वाली रैंक गेम। सो अभी मेरे पास ये जो है किटी है जिसके पास बहुत सारे इमोट हैं, ये देखो अपने जीत हाथ चाट रही है सही। सो हम जो है पहली गेम क्लासिक खेलेंगे, क्लासिक अपनी यू नो गाइस मैं बहुत ही प्रो बंदा हूँ इसीलिए मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड तो नहीं खेलूँगा, अपन सोलो ही खेलेंगा। सो हम जो है अपनी गेम स्टार्ट कर देते हैं बॉयस। और कहीं जहाँ तक कंपनी गेम स्टार्ट होती है वहाँ तक मैं बता दूँ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है और वो बेल आइकन भी दबा देना जिससे मेरे अंदर बेल आइकन बजेंगे मेरे दिमाग में मोटिवेशन मेरे दिमाग में मोटिवेशन आएगा और मैं और भी वीडियोज डालूँगा, मोटिवेट होंगे यू नो मोटिवेट। ओके गाइस सो हम देखते हैं हमारे ये जो होते हैं बैजिस में कौन सबसे आगे है। मैं तो नहीं हूँ ये देख सकते हो यहाँ पे मेरा नाम है लास्ट में है सबसे। एक्चुअली मैं इसमें हुई नहीं, बस खुद का दिखाते हैं ये लोग। ओके सो इन सबके पास गन स्किन्स है बस मेरे पास कोई नहीं है यार। ओके सो हमने ये बंदा इमोट दिखा रहा है, ये देखो मेरे पास भी है सी वाला इमोट है मेरे पास। और ओके गेम चालू हो चुके हैं अपनी और ये आ चुके हैं अपने प्लेन में। मुझे नहीं पता है प्लेन कहाँ से आया है, बस आया इतना मालूम है। ओके सो हम जो है पीक पर उतरेंगे, पीक पर एक टूटेली छत वाला घर है वहाँ पे हम उतरेंगे ठीक है। ओके सो हम लोकेशन के करीब आ जाने दो मेरे को, इस साइड से हम उतरेंगे ऐसा सीधा जाएंगे सीधा ठीक है। ओके हाँ तो अभी हम जो है यहाँ से ही डाइव मार लेते हैं। और एक्चुअली वहाँ पे पहले से ही दो तीन बंदे तो उतर ही रहे हैं। प्लान चेंज गाइस बहुत ऑलमोस्ट पूरा मैप यहाँ पे उतर रहा है गाइस। हम उतरेंगे मल्टी विंडो, हाँ मल्टी विंडो नाम की एक जगह है। मेरे को फ्री फायर में बहुत कुछ पता है गाइस ठीक है, मैं बहुत खेलता हूँ फ्री फायर। ओके गाइस हमें मिल चुका है एक परंग जिसमें बहुत सारे रंग हैं। ओके BSS एक ग्लाइडर जिसका कोई काम नहीं है, मुझे नहीं लगता पता नहीं ये क्या है ग्लाइडर दो दो BSS है भाई, इनका मैं क्या करूँगा। सो इसका मल्टी विंडो का ये फायदा है कि इससे हम कहीं से भी बंदों को मार सकते हैं। साले तुम मर सरो, एक तो अरे यार ये एक तो पड़ती नहीं क्या इसको, मरना साले तुम मरना। सो हम और गाइस मेरे पास एक आलोक की जो है एबिलिटी है जिसका जो होता है वो कौन था ये, अरे तो इतना ओपी खेलता है यार, इसको तो लाइक और फ्रेंड रिक्वेस्ट बनती है रे, बहुत ओपी। ये तो अच्छा है गाइस मैं रैंक गेम नहीं खेल रहा था नहीं तो मेरे तो ओके। सो अभी हम वापस चलते हैं, हमको पड़ी थी धड़ाधड़ वाली
और हम वापस एक अपनी क्लासिक गेम चालू कर लेते हैं। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, आलोक के पास, हाँ आलोक के पास एक ऐसी एबिलिटी है, उसके पास एक अजीब टाइप का रेडियो है, बहुत यूनिक रेडियो है, जिस रेडियो को तुम लोग अगर सुनोगे ना तो तुम्हारी HP बढ़ेगी, ऐसा कुछ रेडियो टाइप का है। रुको मैं तुमको चालू करके बताता हूँ। ये देखो ये आलोक का है ना रेडियो है, इसको, इस रेडियो को तुम लोग सुनते हो ना तो तुम्हारी हेल्थ बढ़ जाती है। सो अभी हम देखते हैं कौन कौन है यहाँ पे। पता नहीं मेरा नाम क्यों नहीं होता यार, कभी भी मेरा नाम नहीं आया यहाँ पे। हेलो, इसको मैं हाई वाला भाग गया सर। सो अरे इधर जा रहे, उतरना। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे के सारे मेरे को तो बॉट दिखते हैं। ये देखो ना, फ्री के कपड़े लेके आए हैं। सो मैंने जो है आलोक में क्ला की एबिलिटी डाली है, और इसके इससे क्या फ़ायदा क्या होता है, इसे तुम लोग अगर मुक्का मारोगे ना, ढिसुम ढिसुम करने जाओगे ना, तो टाइप ऑफ तुमको ज़्यादा डैमेज देगा वो। इसमें जैसे कि तुमको नॉर्मल में 15 से 20 का डैमेज देता है, इसमें सीधा 100 की पड़ जाती है उसको। ओके सो इसमें तो टूटेले फूटेले घर पे तो नहीं उतरेंगे। बीमा शक्ति ठीक है, चलो बीमा शक्ति पे उतरते हैं। सो यहाँ से हम जो उतर चुके हैं बीमा शक्ति पे, ऐसे ये देखो गाइस मेरे पास स्पेक्टर बेसर वाला स्केटबोर्ड भी है, आई मीन क्या बोलते हैं वो, सर्फ बोर्ड भी है। अजीब है ये सर्फ बोर्ड, ये ना ये जगह मेरे को ये बहुत पसंद है। ये जो ये ऐसा है ना खम्भा टाइप का, कुतुब मीनार से भी ऊँचा है ये मेरे को बहुत पसंद है। इसके ऊपर चढ़ के ना कोई अपने को मार नहीं सकता। तो यहाँ से हम घर के अंदर घुस जाते हैं। स्कैन हो गया है हमारा डैमेज, MP5 मिल चुकी है हमें, स्नाइपर एमओ। इट मींस कि गाइस ये जो है हाई टियर लूट जोन है अपना, मतलब कुछ कुछ जगहों का ये दिखाता नहीं है कि कौन सा हाई टियर लूट जोन है। और गाइस ऐसा जो है हम हाथ चालू रखते हैं तो हम ऐसा ऐसा चालू रखते हैं ना तो हम जल्दी भागते, ऐसा मैंने सुना है। तो हम जो है यहाँ से ऐसा चढ़ जाते हैं। यहाँ पे अपने को मिल चुके हैं एक M4A1, और इतनी ही चीज़ें हैं बस इस घर में। चलो अभी इस घर को तो हमने लूट लिया है, और इस घर के अंदर हम चलते हैं। यहाँ पे है एक Level 3 वाली बैग, मैं बाद में ना बैग की स्किन चेंज कर दूंगा, मुझे बैग की स्किन ज़रा सा भी नहीं। ए देखो परांग है ना मेरे पास, क्रोनो वाला है। ये देखो इसमें ARMO है, AR और SMG वाली एमओ है, इसको हम ले लेते हैं। ओके इसको हम कर लेते हैं रीलोड, वेरी ओपी, हमने कर लिया है इसको रीलोड। जल्दी जल्दी चढ़ो भाई। एक काम करते हैं गाइस, मैं जो है शो ऑफ करने के लिए अपना आलोक चालू करता हूँ, तो ऐसा देखेगा ना तो ऐसा मैं शो ऑफ कर सकता हूँ। ए वहाँ पे एक बंदा है, बोटा 5 का डैमेज तो ये मान मान देता है। ए इसको है ना मैं पूरे उनसे मारते, चलो मजा आएगा। साला ये मरता क्यों नहीं है ये, हाँ गया गया गया। अच्छा तो ये बोटिया था ये बोटिया था। इसके पास बस एक USP है और कुछ नहीं है। USP को हम रीलोड कर लेते हैं, ज़रूरत नहीं है इसके लिए, एमओ ही नहीं है। बोलो हम हर जगह देख लेते हैं। ओए 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 ओए, ओए, ओए तू क्या कर रहा है बे यहाँ पे, तू जीके क्या करेगा, तू मर जा यार, तू मर जा, मर गया ये। ओके हमारे हो चुके हैं 2 स्पेक्टेटर्स, इसके पास कुछ काम की चीज़ नहीं है। बोट लोग को मैं मारता हूँ नहीं, इनके पास कुछ भी काम की चीज़ होती नहीं है इनके पास। सो पिक पे हम आ चुके हैं, पिक पे देखते हैं हमारे काम का कोई है या नहीं जिससे। अरे यार इसमें 1x लगा हुआ है क्या यार, एक इसको पड़ेगी क्या, इसको पड़ेगी। अच्छा इसकी रेंज इतनी नहीं है गाइस, इसको हमें जो है एक जगह पे छुप के M4A1 में 2x स्कोप लगा लेते हैं। यहाँ से हम इस पे से किधर है इसका ये 2x स्कोप, इसमें डाल देते हैं। हाँ ये लगे ना, ओके ये लग चुका है अपना 2x स्कोप। ये डब्बा हमें जो होता है खोलना होता है, इसके अंदर ना तुमको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। ओ मागू तुरूला, कौन है कौन ये बंदा, इसको हम जो है M4A1 से मारते हैं।
क्या कर क्या रहे ये? अरे गया, अरे शिट यार, अरे ये तो वही है ना जिसके पास कुछ, ये वही था ना वो जो नाम टाइप का आता है वहाँ पे, वो होता है लटकेला टाइप का होता है उसका नाम सबका। इसको मैंने लाइक और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिए हैं और हम बैक हो जाते हैं। यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, सब लोग मुझे ही क्यों मारते हैं, मैं ही मिलता हूँ क्या सबको दुनिया में? ओके सो गाइस एक काम करते हैं, मैंने सुना है कि एक नूब एडम टाइप का जो होता है कैरेक्टर लेते हैं ना, ओए वाह 102 हमारे पास टोपियाँ हो चुकी हैं, हमने 102 टोपियाँ का रिकॉर्ड बना लिया गाइस, सबसे ज़्यादा टोपी इस दुनिया में मेरे पास है। ओके ये भी ट्रायंगल टाइप का खजाना होता है, ट्रायंगल खजाने में कुछ ना कुछ हमें अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। हम कैरेक्टर में जो है हमारे पास आलोक है, अभी ये देखो आलोक ये है हमारा जोसेफ सीरो सीरो, और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक एडम, यहाँ पे एडम ये ले लिया है हमने, और यहाँ पे हम सारी गन स्किन अनइक्विप कर लेंगे क्योंकि गेरेना को ऐसा ना लगे कि हम प्रो मानस हैं जो कि मैं हूँ। ओके अभी हमें जो है अपना कलेक्शन में जाके अपने सारे इमोट अनइक्विप कर लेते हैं, सी वाला इमोट हम हटा लेते हैं, हाई वाला भी हटा देते हैं, ये तो है ही नहीं। व्हीकल में हम ये वाली नॉर्मल बाइक रखेंगे, बैग पैक नॉर्मल बैग पैक, लूट बॉक्स भी, सर्फ बोर्ड अपना यही नॉर्मल वाला, पैराशूट भी नॉर्मल वाला, अवतार हम जो है हम ये ऐसा अजीब सा टाइप का रखेंगे नॉर्मल वाला। एंड गाइस लेट स्टार्ट अपनी गेम जिसमें हम बॉट बने हैं। चालू, ओके 4 सेकंड के अंदर अपनी गेम चालू हो चुकी है। ओके बॉयस ये हम जो है हम एडम भाई बन चुके हैं, हम एडम मतलब ऐसा करने से क्या होता है कि हमारी जो लॉबी जो है इसमें नूब प्लेयर आते हैं, नूब प्लेयर, ये देखो इसके पास जजमेंट आयरन फेस वाला बंडल है और आलोक भी है, ये कौन है? अच्छा इसमें पड़ती नहीं है यानी इसमें एचपी नहीं होती है इसी जगह पे। md ishak.y इस बंदे ये क्या है, ये क्या कर क्या रही है, इसको मारते हैं, चलो इसको मारते हैं। ओके सो 2-1 ये हमारी गेम चालू हो चुकी है। ऑलराइट सो हमारा प्लेन निकल पड़ा है एक अजीब से सफर पे, बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से हम गुजरते हुए कटू, क्या जगह का नाम क्या है, कटू ली सर्टी वाह नाम की जगह पे हम जो है उतर रहे हैं। ओके कटूलिस्टीवा के नजीक आने दो मेरे को बस, उसके बाद मस्त मजा आएगा। 44 लोग अलाइव हैं। अभी गाइस अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं और फ्री फायर के वीडियोस बनाऊं तो लाइक करो शेयर करो कमेंट करो कि और फ्री फायर के वीडियोस चाहिए ब्रो। एंड हम जो है यहाँ से लाइव मार लेते हैं, उतर जाओ भाई, और स्टार्टिंग से ही हमें बहुत सारे प्रो लोग आ चुके हैं यहाँ पे जिनके पास गन स्किन है, एडम इक्विप करना लॉल हो जाएगा यार। एटलीस्ट मैंने एडम में से इसकी एबिलिटी तो डाल दी होती आलोक की, वैसे एडम में किसकी एबिलिटी जाती है क्या नहीं? ओके यहाँ पे जो है हमें मिल चुकी है एक mag 7 AN94, नाइस वेरी गुड, एक बैग, और ये कुछ अजीब सा मेरे को मिला है, ये गोल गोल चीज है पता नहीं क्या है, ये क्या है रे गोल गोल चीज, वेंडिंग मशीन का टोकन, वेंडिंग मशीन फ्री फायर में भी होती है क्या, ये जापान है क्या फ्री फायर? सो यहाँ पे कुछ काम की चीज भाई, M4A1 नहीं पसंद है मेरे को। ये मेरे को चाकू मिला, मेरे को चाकू मिल गया है गाइस, वेरी नाइस, और
और यहाँ पे हमें ले ली है एक कटाना, ओके एक मेडिकेट, और यहाँ से हम जो है घर के ऊपर चढ़ के एकदम टाइप ऑफ स्नाइपिंग कर सकते हैं। स्नाइपर गन नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं स्नाइपिंग करूँगा। अरे क्या हो गया यार, सो हम अपना रेडियो, अरे हम सालों की एबिलिटी नहीं है, सो हम यहाँ से हम मेडिकेट लगा लेते हैं एक, ओके। एंड यहाँ पे हमारे पास है M60Y, मतलब M60Q, इज दैट मीनिंग। सो हम जो है यहाँ से ये क्या, ओए ऑयल बैरल है, अच्छा ये फटता है ऐसा घूम करके फटता है, ओके ओके आई अंडरस्टैंड ब्रो। सो हमने, ओए किसी के पास ईवो गन है, AK वाली ईवो गन है भाई, कोई लाइट पास लेके आया है। लोग तो क्या करे है भाई साहब, ओके वेंडिंग मशीन टोकन एक और है हमारे पास आ चुका है। ए वेट वेट वेट, यहाँ पे ग्रोसा है तो हम ग्रोसा नहीं ले लेंगे यार, ग्रोसा ले लेते हैं ना, इतनी ओपी तो है ये। मेरे को लगा कि यहाँ पे कोई है, नहीं नहीं कोई नहीं, ये मैंने एडम यार खोटा ले लिया है यार, ये क्या चाह रहा है। पहली बात तो ये मेरे को कोई मिल भी नहीं रहा जिसको मैं साट कर सकूँ, टपका सकूँ। कोई आओ यार, कोई तो आओ, एटलीस्ट वीडियो लंबा हो रहा है, चलो कोई भी नहीं आ रहा। चलो बीमा शक्ति पे चलते हैं, हम बीमा शक्ति की तरफ चलते हुए, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, पता नहीं काई को, काई को, काई को। ओके ये मशरूम है, मशरूम आई होप इस मशरूम में जहर नहीं होगा। उठक बैठक कर करवाएंगे हम एडम को, उठक बैठक कर भाई एडम, तू क्यों आया मेरे सामने, उठक बैठक कर चल। ओके हम इस तंबू के अंदर देखते हैं इसके अंदर कुछ है, ए इसके अंदर ऐसा कुछ अंडा टाइप का पड़ा हुआ है, ये अंडा क्या है, अंडे के ऊपर मुंह था गाइस, उस अंडे के ऊपर मुंह टाइप का बना हुआ था। वीडियो लंबा हो रहा है, कोई तो आ जाओ, ही, 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 ही। कोई दिखा मेरे को, कोई दिखा, इसको हम ग्रोसा से ठोकेंगे गाइस, इसको हम ग्रोसा से मारेंगे। अरे गया ये, 6 स्पेक्टेटर अचानक से 6 हो गए भाई, 6 कैसे हो गए। ओके एक वो सोच रहा होगा कि एक नुबड़े एडम ने उसको मार दिया है। ओके इसके पास भी बहुत सारी काम की चीजें हैं, कौन सी है, लेवल 3 की है ना बैग, ओके भरने दो बैग को, भरने दो। अच्छा ये एयर गन है, ग्रोसा एयर गन है कि SMG है भाई, मेरे को बताओ यार कोई। ये डेंजर जोन है, मैं डेंजर जोन में क्यों जा रहा हूँ। बॉयज हम जो है वापस से अपनी कोई और जगह पे, अरे इसके ऊपर से डेंजर लाल लाल हट गया, चलो वापस से इस लाल लाल के अंदर चलते हैं। मेरे पैर में ना बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ से हम चलते हैं, ये कहाँ पे जाती है यार, ये ट्रेन कहाँ पे जाती है, ये तुम्हारी ट्रेन किधर, ये पीक बाजू जाती है ये ट्रेन, और पीक पे ऊपर है नो सिग्नल, वहाँ पे बहुत सारे लोग उतरे होंगे, नहीं सब वो उस टूटेली छत वाले घर के ऊपर होंगे, सब के सब वहाँ पे उतरने की ट्राई कर रहे होंगे, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। एटलीस्ट 2 किल हो जाने दो, बुया तो हो ही जाना चाहिए मेरा, 2-4 नहीं पर 1 बुया तो हो ही जाना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे एक बंदा है, वहाँ पे उतरा, वो उतरा, मैं उसको लेने जाता हूँ, चलो गाइस। व्हाट आर यू डूइंग मैन, अरे वाह, अरे वाह, मेरे 19 स्पेक्टेटर हो गए गाइस, मेरे 19 स्पेक्टेटर, अरे वाह 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 भाई। ओके इसके पास M82 भी है, ये M82 भी मिल गई भाई, और कोई थी क्या इसके पास स्नाइपर टाइप की,
स्नाइपर नहीं है तो फिर अपने ये ठीक है भाई। ओके सो ये हम आर्मर रिपेयर करने का स्टेशन आ चुका है, यहाँ पे हम जो है आर्मर अपना रिपेयर कर सकते हैं बॉयस। ओके लेवल 4 का वेस्ट है हमारे पास और लेवल 2 का एक हेलमेट, वेरी नाइस। इतनी जो है हम ईटी बढ़ा सकते हैं, ऐसा ये जो है अस्थमा का पंप लेकर, अस्थमा का जो ये जो पंप है उसको अगर हम वापरेंगे ना तो हमारी टाइप ऑफ ईपी जो होती है, ईपी जो हम जोन में जाने से हम बचते हैं, वो टाइप ऑफ बढ़ जाती है। ठीक है ऑलराइट गाइस, सो हम मैं इस वीडियो को यही एंड करना चाहूँगा। दैट्स फॉर टुडेज गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय अलविदा।